नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की फजीहत खूब हो रही है। पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज गवाई, अब ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने भी पटखनी दे दी है, जिसके बाद से कंगारुओं की चारों तरफ फजीहत हो रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया की हेकड़ी निकाल दी है। अब ऐसे में कंगारुओं को सोचना होगा कि T20 सीरीज के लिए वो खुद में कैसे सुधार करें। नए कप्तान के साथ बांग्लादेश के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया पहले मैच में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 131 रन बनाए। शाकिब अल हसन ने 36 और मोहम्मद नईम ने 30 रन की पारी खेली। छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में महज 108 रन पर ऑल आउट हो गई और 23 रनों से मुकाबला गंवा बैठी। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श ने 45 रनों की पारी खेली। वहीं बांग्लादेश के लिए नसूम अहमद ने 4 विकेट लिए और मैच के हीरो रहे। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार T20 में हराकर इतिहास रच दिया। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 4 बार आमना सामना हुआ था। इन चारों मौकों पर कंगारू टीम ने बांग्लादेश को मात दी थी। ये जीत बांग्लादेश के लिए दम भरने वाली है और ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता का सबब।